नवरात्र का दूसरा दिन और भाई इस लिबाज में है, ये कल से साड़ी वाड़ी डाल रखी इसने और पूजा पाठ जो है इसी लिबाज में हो रहे। हैप्पी नवरात्रे आप सभी को, हमारी तरफ से पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सुनील पाल ब्लॉग्स में। तो भाई इसी बीच में हम कुछ इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे आप लोगों से और उधर आ गई है चाय, तो पहले पीते हैं चाय। और चाय जैसे कि हमारा फास्ट है तो हम जो है स्टील के ग्लास में पी रहे हैं, दो दा के। इनके बड़े बड़े कप है, बड़ों का नाम है लेकिन छोटे हैं। और चाय पीने से पहले हम दिखाएंगे आपको अपने छोटे छोटे से थोड़े से पौधे, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, और फिर चलेंगे नीचे कैसा सजा है माता रानी का दरबार। आपको गोली बता, मैं बच्चे गोली पिलकण बता रहे थे। पता नहीं इसका नाम ही नहीं पता। देखो गार्डन में कुछ ऐसे पौधे जिनका मैं नाम ही नहीं पता, छोटा सा गार्डन, दो चार पौधे, उनमें से भी एक आध का नाम नहीं पता। और ये मनी प्लांट, इसकी कर दी थी मैंने थोड़ी सी कटिंग और अभी अच्छे से ग्रो कर दी, और परले वाले की भी। और ये देखो गुडल, और सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया हमारे घर में उगी है हल्दी जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। चलो जी चलते हैं। सही बताऊं तो हल्दी लगाने की जगह कहीं मिल नहीं रही थी, तो हमने ये एक ट्रे थी हमारी, ये कूलर की बॉडी थी, इस कूलर की बॉडी के हमने पार्ट्स बना लिए थे, तो नीचे का हिस्सा है इसमें लगा दी थी रेत डाल के हल्दी। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतने अच्छे से हो जाएगी, देखो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं नहीं सोच कर कि होगी, हो जाएगी नहीं होगी, तो नहीं सही 50-50 चांस थे। हाँ। तो ये एक प्रयोग था खेती के संबंध में, तो कृषि वैज्ञानिक यहाँ पे बने हुए हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और देखो इसमें किसी भी तरह की कोई खाद नहीं, जो इसमें पुराने वाली मिट्टी थी उसमें ही मैंने इनको लगाया था, और ऊपर से ये रेत जो खेत वाली वो हो ना मिट्टी, रेतीली मिट्टी वो डाली थी केवल इसमें, और कुछ नहीं मैंने इसमें डाला, केवल इसमें एक दो बार नुला कर दिया। और बस डेली का मेरा क्या रूटीन होता है, सुबह के टाइम जब भी मैं सारे पौधों में पानी देती हूँ तो इसमें लास्ट का पानी जो इतना भी बचा होता है वो डाल देती हूँ। और अपराजिता के पौधे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने देखे थे और वे मैं यूज भी करूँगी, चाय में डाल के भी इसकी पत्तियाँ और फूल पी सकते हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। चलो चलते हैं नीचे। 6:45 बज गए, पूजा का टाइम हो गया, और ये देखो आज मेरा वाला तौलिया इन्होंने जला दिया, इन्होंने नहीं जला, हवा की वजह से जल गया, हरी माग जल ली थी और ये हवा में जाकर उसमें गिर गया। पहले नवरात्रे हवा थी, आज ठंडी हवा है, आज ठंडी लग रही है, और मैंने मम्मी को कई बार कह लिया हमारे सर्दियों के कपड़े निकाल दो, सर्दियों के कपड़े निकाल के अभी अलमारी में भीड़ हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने सर्दियों के कपड़े इनके नहीं निकाले, अब मम्मी निकाल दो पूरी बज्जू के, तो कई दिन तक कह रही, फिर मैं सोच रही अलमारी में भीड़ हो जाएगी, इतनी मुश्किल से तो सेट करी। तो चलो जी करते हैं पहले पूजा और आपको भी माता रानी के दर्शन करवाते हैं, कैसा सजाया माँ का दरबार। ये देखो मैंने काट दिया, ये माँ ने मुझे बोला है जहाँ से जलना वहाँ से काट दे, मैं काटने में माहिर हूँ, क्योंकि जले हुए कपड़े घर में अच्छे नहीं रहते। हाँ। और ये मेरे कपड़े जले, देख मेरा तौलिया आज मैंने यूज करा था, जला। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, भक्तों की तेरे भक्त। माता रानी का दरबार सज चुका है और अब करेंगे हम शाम की पूजा। यहाँ पर रखा हुआ है कलश जहाँ पर स्थापित किया हमने, और ये है हमारी संजय माता, ये देखिए नौन औरतें भी हैं, संजी का भाई भी है, और इस कमरे के पूरे एरिया में हमारे भगवान जी विराजमान हैं। तो आप सबको भी मैंने माता रानी के दर्शन करा दिए हैं, तो जय माता दी। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, हैप्पी नवरात्रि।